हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुर्ती का अंचली काटना बताऊंगी, वो भी बिना फरमे के, बिना इंची टेप के। देखिए इस प्रकार से हमें कपड़ा फोल्ड कर लेना है डबल में। देखिए फ्रेंड फ्रेंड अगर आपके पास में इंची टेप नहीं है तो आप इस तरह से कुर्ती जो होती है पहले से ही सिली हुई उसका नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कपड़े को फैला लेना है डबल फोल्ड में और फिर जो ये कुर्ती है इसको रखना है इसके ऊपर और इसकी साइज का हमें कपड़ा ले लेना है। देखिए इस प्रकार से अब हमें इस कुर्ती के ना साइज का जो है लंबाई में कपड़ा कट कर लेना है इस प्रकार से, फिर इसको डबल फोल्ड करना है। ये इसकी विड्थ ज़्यादा है इसलिए ये साइड में रखा है, आप अपने हिसाब से रख लेना कितनी चौड़ी आपको रखनी है। इस कपड़े की विड्थ ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा सा उधर रखा है। देखिए इस प्रकार से फिर कुर्ती को डबल फोल्ड करके यहाँ शोल्डर से नाप लेना है और कटिंग कर लेनी है। ये हमारे जो ये शोल्डर के नीचे से कमर तक का नाप इसी तरह कर लेना है और फिर नीचे से थोड़ी सी साइड से कटिंग कर लेनी है करीब 1 इंच। देखिए ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। देखिए फ्रेंड कुर्ती का गट्टा भी हम बिना फरमे के ही काटेंगे। देखिए इस प्रकार से काट सकते हैं आप। पहले हमें ये आर्म होल है जो यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है। ये आगे वाला पार्ट है इसका, हल्का सा राउंड शेप दे देना है। फिर हमें गट्टे को इस तरह से हाथ रख के कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड इस प्रकार से आपके बहुत ही अच्छा गट्टा कटेगा। ये देखिए कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती रहूँगी सिलाई से जुड़ी हुई। देखिए फ्रेंड अब हम करेंगे कांचली की कटिंग। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेना है और फिर कांचली की जो लंबाई रखनी है आपको, ये जो हम कांचली बना रहे हैं इसकी बाजू जो है हाफ वे ये जो बनी हुई है इससे थोड़ी सी लंबी रखनी है क्योंकि ये पहले से थोड़ी लंबी बाजू की बनानी है, इसलिए इस तरह से आपको नाप लेना है और चौड़ाई में भी आपको कांचली की बाजू रखकर नाप लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको जो सिली हुई कांचली है उसका नाप लेके कटिंग कर लेनी है। देखिए इस प्रकार से ये बराबर आई है हमारे कांचली की एक भी लेंथ। फिर इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड डबल फोल्ड में है हमारी कांचली की बाजू है। अब हम इसकी खराकी कटिंग करेंगे। देखिए खराकी जो बाजू की लंबाई में सेंटर होता है उससे इस तरफ लेना है, इस तरह एक कोना राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है और इसको थोड़ा सा खराकी को सीधा कर लेना है क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो ये राउंड शेप में होती है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। ये कांचली के बाजू की कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड अब हम करेंगे इसमें फड़के की कटिंग। देखिए फड़का हमें इस तरह लेना है, एक साइड में एक बिलांत और 3 अंगुल और एक तरफ एक बिलांत का ही रखना है। ये देखिए हमारे दोनों फड़के जो है कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे आठ की कटिंग। आठ की कटिंग 7 अंगल की होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये हमारे 8 हो गई है, 2 बिलांत की होनी चाहिए ऐसे लंबाई। अब हम करेंगे टुकियाँ की कटिंग। टुकियाँ की जो है आपकी कांचली होती है उसके अकॉर्डिंग कर लेना, किसी की छोटी बड़ी आती है साइज़ तो। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये हमारे 8 अंगुल की है, इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए हमारे कांचले की कुर्ती की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। थैंक यू।